मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके की जनता इन दिनों भारी परेशानियों से जूझ रही है। इसको लेकर मंत्री ने जब जनसुनवाई की तो उनके इलाके में सैकड़ों की तादाद में लोग समस्या लेकर पहुंच गए। कहीं लोग बारिश में नालियों का पानी घरों में भरने की समस्या से परेशान हैं, तो कई लोग खराब सड़कों और बिजली कटौती की समस्या से परेशान है। घरों में पानी भरने की समस्या लेकर आए लोगों ने तो मंत्री जी को खरी खोटी सुना दी। मंत्री के पास शिकायत लेकर आए वार्ड नंबर 4 के लोगों ने बताया कि उनके इलाकों में बारिश के मौसम में नालियों का पानी भी घरों के अंदर भर रहा है। मिर्जापुर के लोगों ने बताया कि उनके इलाके में नालियां अतिक्रमण की शिकार हो गई हैं, जिसके चलते बारिश के दौरान भारी जलजमाव होता है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों ने मंत्री जी को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि उन्होंने स्थानीय अधिकारी पार्षद सभी से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। अरे मैं आ गया, सब आ गए और सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आप बोलिए उसको। ये जी आ रही है, आज दिन घर में पानी आ रहा है और गंदगी में खाना भी नहीं खा पा रहे। कम से कम 15 दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं है 4 नंबर वार्ड में। आज मंत्री जी के हम आए, हम बुलाए हमने सबसे, तो आज हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई ऐसे ही भरा रहेगा पानी। कब से परेशान? 15-20 दिन हो गए। क्षेत्र के लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी आज क्षेत्रीय कार्यालय 1 पर जनसुनवाई है, उनकी समस्याएँ सुन करके उनका निदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमन सिंधिया ने एलिवेटेड रोड की समीक्षा की है, सिंधिया जी ने बाईपास रोड की समीक्षा की है, उन्होंने 1000 बिस्तर के पास अंडरग्राउंड की समीक्षा की है, अनेक विकास कार्यों की समीक्षा हुई है। हमारा ग्वालियर बदल रहा है और तेज़ी के साथ बदले, ये प्रयास माननीय श्रीमान ज्योतिराय सिंधिया जी, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह जी और मेरा, हम सब का मिलकर के जनप्रतिनिधियों का होगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जनसुनवाई हो रही थी और इसी दौरान बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं मंत्री जी के पास, कई सारी समस्याएं हैं, लंबे वक्त से जूझ रहे हैं, ये माने कि आश्वासन मिला है और जल्द परेशानियों का हल होगा, समस्याओं का हल होगा? मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने इलाके की जनता की समस्याएं जानने के लिए जनसुनवाई की शुरुआत की है और आज 2 घंटे तक उन्होंने जब जनसुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी, तो करीब 500 से ज़्यादा लोग उनके पास समस्या लेकर पहुंचे थे। इनमें सबसे ज़्यादा जो परेशानियां थी बारिश के दिनों में, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके की विधानसभा में कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ नालियाँ खराब होने के चलते, नालियों पर अतिक्रमण होने के चलते, नालियाँ ना होने के चलते जो बारिश का जल जमा हुआ है, गंदा पानी वो लोगों के घरों तक भरता आ रहा है। वार्ड नंबर 4 खास तौर पर, वार्ड नंबर 4 के मिर्दापुर सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पिछले 15 दिनों से लोग गंदगी पानी की समस्या से परेशान है। अभी लोगों के यहां अगर देखें तो 1-1 से 2-2 फुट तक पानी भरा हुआ है, गंदा पानी नालियों का, और इसको लेकर इन लोगों ने आज ऊर्जा मंत्री से शिकायत की और मंत्री को खरी खोटी भी सुनाई। दरअसल इन लोगों ने बताया कि इन्होंने स्थानीय वार्ड पार्षद के साथ ही जेडो सहित जो अधिकारी है नगर निगम के, उनसे भी कंप्लेंट की थी इस बात को लेकर, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुनी, ना ही उनके इलाके के पार्षद सहित तमाम लोगों ने उनकी गंदे पानी की समस्या को हल किया है। यही वजह कि ये जो लोग बहुत नाराज़ थे, इन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को खुद खरी खोटी सुनाई और उसके बाद ऊर्जा मंत्री भी इन लोगों की बात सुनने के बाद आक्रोशित हो गए और उन्होंने तत्काल अधिकारियों को फ़ोन लगाया और उसके बाद अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। साथ ही कुछ अधिकारी भी जो जेडो स्तर के अधिकारी थे वो जनसुनवाई में नहीं पहुंचे थे, इसको लेकर भी मंत्री ने नाराजगी जताई। तो निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में भी लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसके चलते लोगों ने आज मंत्री को भी खरी खोटी सुना दी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आश्वासन तो दिया है, मौके पर पहुंच के जल्द से जल्द समस्याओं का हल भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अनूपपुर का जिक्र करते हैं। बिजूरी के नायब तहसीलदार निलंबित हो गए हैं, कमिश्नर शहडोल संभाग ने निलंबित किया। सरकारी निर्देशों के विपरीत काम करने पर यह कार्रवाई हुई है। राजस्व मामलों में नियम अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। शहडोल कमिश्नर बीएस जामोद ने यह निलंबन की कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद पनिका पर कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रवि ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या था मामला? लगातार शासकीय कार्यों पर उनकी लापरवाही आती रही, कई बार लोगों ने शिकायत किया, जिसको लेकर कल कमिश्नर साहब ने निलंबित कर दिया।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि।